देश में इन दिनों हर तरफ राम मंदिर और 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी में लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक नाम जिसके चुनाव लड़ने को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है, वो नाम है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का। चर्चा ये है कि वह 24 में लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के तहत वह नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण इन दिनों नगीना में काफी सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वैसे इस सीट पर मौजूदा समय में बसपा के गिरीश चंद्र सांसद हैं। मैं इसीलिए को लड़ रहा हूं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे, जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा जाता उन पर चर्चा हो, इसीलिए एक सशक्त आवाज की जरूरत पार्लियामेंट में, इसीलिए हम लोग नगीना से मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हम जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। कमजोर वर्ग वहाँ से किसान, नौजवान, हर वो तबका जो चाहता है कि कोई मजबूत आवाज संसद में जाए जो उनके हितों की रक्षा करे, वो उनको अवसर देने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास है और हम लोग बहुत मेहनत करें नगीना में, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ इस मामले में न्याय हो, इसलिए मैं वहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। और अभी मैं डॉक्टर से बात करने वाला हूँ कि अब उस बेटी कंडीशन कैसी है और बेहतर इलाज में किन चीज़ों की जरूरत है। जो कुछ होगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। मैंने कहा कि आज मैं इतना दुखी हूँ सच में, क्योंकि एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुई है और सरकार और पुलिस प्रशासन मौन है। ये इस देश में दलितों की जिंदगी का सच है, इसकी मुझे पीड़ा है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं लेनी है। ये भाजपा का चाल चलित है, इससे हम लोग दुखी हैं, इसलिए हम भाजपा से मुक्ति चाहते हैं।